हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम एकदम बेसिक से जानेंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, इसको बोलेंगे कोल को हम कोयला, एंड और पेट्रोलियम पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें नंबर एक अगर हम बात करें तो इन एग्जॉस्ट नेचुरल रिसोर्सेज से हम समझेंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते क्या है? ठीक है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते क्या है? जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि अक्षय मतलब होता है कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला। अक्षय का मतलब है कभी समाप्त नहीं होने वाला। अर्थात जैसे मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, सूर्य की रोशनी हो गई, अगर मैं सूर्य की रोशनी की बात करूं तो यह कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरा? अक्षय प्राकृतिक संसाधनों में आएगा। और जैसे वायु की बात करूं, हवा की बात करूं, ठीक है, और वायु ये भी क्या होगी? कभी खत्म नहीं होगी। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन या इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या है मेरे? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकते, इनको हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, या इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हम इनको बोलेंगे। ठीक है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ठीक है, ये क्या है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो है हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अगर इसके बाद हम एग्जॉस्ट नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो इसका मतलब क्या है? एग्जॉस्ट नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो एक कुछ समय यूज करने के बाद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। कुछ समय यूज करेंगे तो एक समाप्त हो सकते हैं या समाप्त हो जाएंगे, तो हम इनको बोलेंगे एग्जॉस्ट नेचुरल रिसोर्सेज या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इसके अगर उदाहरण देखें, जैसे कोयला है हमारा, प्राकृतिक गैस है, खनिज संपदा है, वन है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करोगे आप, एग्जाम्पल वन हो गया, प्राकृतिक संपदा हमारी जो भी है, वन प्राकृतिक संसाधन जो भी है हमारे, प्राकृतिक संपदा जो भी है वन हो गए। ठीक है, एकदम तेल हो गया, पेट्रोल डीजल आपके जो भी है, जो एक टाइम बाद क्या होने वाले, खत्म होने वाले या समाप्त होने वाले, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? वन्य प्राकृतिक। ठीक है, ऐसे संसाधन को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा कोल एंड पेट्रोलियम में हमारे जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, या इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसके बाद अगली डेफिनेशन आपकी किताब में, अगले डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है आपका कोल या फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अगला है आपका फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। अगर फॉसिल फ्यूल्स की आप बात करोगे तो फॉसिल फ्यूल्स को क्या कहते हैं हम? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म अब जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? ठीक है, देखो देखो हमारे पास जैसे कुछ समाप्त होने वाले संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, कुछ भी प्राकृतिक संसाधन है, तो ये कैसे बनता है? पेट्रोल है या डीजल है या ये जो पेट्रोलियम के अंदर हमारे पेट्रोल डीजल कुछ भी आते हैं, तारपीन का तेल जो भी चीजें आती है हमारी, मतलब ये आखिर है क्या? ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स है क्या? तो ये इसके बारे में अगर हम जाने तो इसका निर्माण क्या होता है?
सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से। तो इसकी बात करें तो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से ऐसा होगा कि किसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ सजीव प्राणी है और कुछ आपदा आने से वो क्या हो गए, दबके मर गए। ठीक है, तो उसके सड़ने गलने के बाद उसके कुछ अंश बचे, वो जो सड़े गले अंश हुए, ठीक है, कुछ टाइम बाद उनने क्या ले लिया, जीवाश्म ईंधन का क्या ले लिया, रूप ले लिया। ठीक है, अगर कहीं का एग्जाम्पल देखें, ठीक है, कहीं पे अगर भूकंप आ गया, ठीक है, तो उस जगह भूकंप आने के बाद क्या हुआ, कुछ चीजें हमारी दब गई। ठीक है, दबने के बाद क्या होगी, वो सजीव चीजें कुछ होंगी, क्या होंगी, कुछ टाइम बाद सड़ने गलने लग जाएंगी, एंड कुछ टाइम बाद वो फॉसिल फ्यूल्स हमारी जीवाश्म ईंधन हमारा बन जाएगा। तो मृत अवशेषों से, तो हमारे किससे बनेगा, मृत अवशेषों से, जीवित प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होते हैं हमें फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन। ठीक है, एंड पहले ये भी कहा जाता था कि समुद्र में जैसे अगर कोई प्राणी मर गए या कोई भी जीव उसमें जीवित प्राणी मर गया तो क्या होता था कि समुद्र में की मिट्टी भर जाने से उसमें क्या होता था, वो जीव दब जाते थे, एंड उसके बाद क्या हुआ, कभी समुद्र भर गया या कोई ऐसी आपदा आई, ठीक है, तो उसके बाद जब बहुत सालों बाद देखा गया, कई वर्षों बाद देखा गया, तो वहां पे क्या हुआ, हमारे जीवाश्म ईंधन पाए गए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल वहां पे पाया गया। तो फॉसिल फ्यूल, आई होप आपको ये फॉसिल फ्यूल समझ आ गया होगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं तो वहां पे जीवाश्म ईंधन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर अगला आपका टॉपिक देखें तो अगला टॉपिक है आपका कोयला। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है आपका, इसमें कोयला या कोल। ठीक है, अगला है टॉपिक आपका कोल। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम। कोल या कोयला, कोल या कोयला। अब कोयले के बारे में अगर हम बात करें तो कोयला है क्या, ठीक है, कोयला है क्या, अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला है क्या। अब अगर आप देखें तो कोयला का उपयोग भी हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, कोयले की बात करें तो कोयले को हम ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे, और सबसे पहले कोयले से रेलगाड़ियां भी चलाई गई थी। ठीक है, रेलगाड़ी भी कोयले से चलाई गई थी। तो आखिर ये कोयला है क्या एंड कैसे बना। अगर कोयले की बात करूं तो कोयला क्या है, एक एक काले काले रंग का पत्थर। ठीक है, काले रंग का पत्थर नुमा आकृति है कोयला। ठीक है, इसका कलर कैसा है, इसका रंग कैसा है, हमारा काला है। तो लगभग बहुत साल पहले, लगभग 200-300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था। ठीक है, तो ये जो पेड़ थे, पेड़ों के गिरने से क्या हुआ, पेड़ गिरे 200-300 मिलियन पूर्व, जो पेड़ थे वो गिरे या कुछ ऐसी आपदा आई जिससे पेड़ गिरे, एंड पेड़ धरती के नीचे क्या हो गए, दब गए। और ये पेड़ दबने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये पेड़ क्या हुए, सड़ने गलने लगे, जो भी हुआ, एकदम तो सड़ते नहीं पेड़, मतलब वो क्या हुआ, उनका रूप परिवर्तित हो गया। ठीक है, मतलब काले हो गए पूरे, एकदम कोयला बन के धरती के नीचे दब दब के क्या हो गया, उसका कोयला बन गया। और यही बात में जो पेड़ गिरे थे, या हमें किसके रूप में पाए गए, हमने कोयले के रूप में इनको पाया। तो कोयले का हम अलग अलग यूज करते हैं। तो कोयले का यूज मैंने आपको बता दिया कि ईंधन में, खाना बनाने या रेलगाड़ी में, ठीक है, इसका उपयोग अभी होता है। ठीक है, तो कोयला क्या है, एक काले रंग का पदार्थ है। कोयला क्या है, काले रंग का पदार्थ है, जो हमें 200 या 300 मिलियन वर्ष पूर्व किससे मिला था, जो हमें हमारे धरती के नीचे, जो हमारे खनिज, इसे हमें खनिज के रूप में निकाला, हमने इसे खानों से निकाला। क्योंकि बहुत साल पहले क्या हुआ था, कोई आपदा आई, माना भूकंप आया या कोई ऐसा ज्वालामुखी आई, जो कुछ भी हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ, भूपरपटी में ये हमारे धरती के नीचे क्या हुआ, ये चीजें दब गई, जिसके कारण क्या हुआ, हमें यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, कोयला, क्योंकि वो पेड़ दब गए थे, एंड दबने के बाद इनने 200-300 मिलियन बाद ये क्या बन गए, ये कोयले का रूप इनने धारण कर लिया। ठीक है, तो कोयला हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोयले के बाद आपके में है अगला कार्बनीकरण। ठीक है, कार्बनीकरण क्या है,
अब हम बात करें कार्बनीकरण की, ठीक है। अगली डेफिनेशन के साथ चलेंगे हम, कार्बनीकरण के साथ या कार्बोनाइजेशन के साथ, ठीक है, कार्बोनाइजेशन के साथ। या कार्बनीकरण, ठीक है। तो कार्बनीकरण क्या होता है? कार्बनीकरण क्या है? जो मृत वनस्पति थी, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मृत वनस्पति मतलब पेड़ गिर गए तो मर गए, मतलब इसका मृत वनस्पति, ठीक है, जो ये मरे हुए पेड़ थे या मृत वनस्पति थी, इनका धीरे धीरे, जो ये मृत वनस्पति थी, ठीक है, ये मृत वनस्पति थी, इनका धीरे धीरे, ठीक है, कोयले के रूप में परिवर्तित होना। ये मृत वनस्पति किस में परिवर्तित होगी? कोयले में परिवर्तित होगी। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाई हमारी? कार्बनीकरण कहलाई। तो मृत वनस्पतियों का धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित होना हमारा क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। अब बात करूं मैं कोयले की, तो कोयला भी एक जीवाश्मी ईंधन है मेरा, ठीक है, इसके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कोयला भी मेरा क्या है? एक जीवाश्मी ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स मेरा कोयला भी है, ठीक है। तो आज के लिए ये आपके कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एक टॉपिक और इसके बाद आपकी एक जो क्लास थी ये कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, क्वेश्चन तो आपके यहाँ से खुद ही क्रिएट हो जाएंगी। क्वेश्चन आपको मैंने जितनी थ्योरी बता रखी है, शायद इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, यहाँ से कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। एक बार देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। एंड मेहनत करो और ध्यान से देखो कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इस टॉपिक को वहां पे देखेंगे, ये टॉपिक आपको एज इट इज जैसे मैंने समझा दिया अपनी लैंग्वेज में, तो आपके माइंड में जल्दी कवर करेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपकी फर्स्ट क्लास है साइंस की, तो अपने हर किसी दोस्त तक इस क्लास को जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।